गुना सिटी कोतवाली और अजाक थाने को आईएसओ का तमगा मिल गया है। लंबे समय से इन दोनों ही थानों को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया चल रही थी। कोतवाली में हुए सादा समारोह के दौरान एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कोतवाली थाना प्रभारी अवनीश शर्मा और अजाक थाना प्रभारी विवेक शर्मा को आईएसओ का प्रमाण पत्र दिया। कोतवाली और अजाक थाने के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड और फरियादियों की शिकायतों को सुनने के लिए तमाम नवाचार किए गए हैं। कोतवाली थाना को क्वालिटी मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये आईएसओ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कोतवाली में बाल मित्र कक्ष सहित अन्य कक्ष का रिबन काट का शुभारंभ किया। एसपी का कहना है कि अब मुमराज और जामनेर थाने को आईएसओ के तहत व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद जिले के सभी थानों को इस कड़ी से जोड़ा जाएगा। आप जरा आएंगे? अरे पूरे आ जाएंगे। अरे ये आप तो खड़े रहो, ये चीज आगे बढ़नी है अपने साथ में। तुम्हारा खाना काट दे। जय सर। कार प्रणाली से परिचित है और सीधा आपका इंटरेक्शन होता रहता है। आपने उनकी वर्किंग स्टाइल, उनके कार्य करने का तरीका देखा होगा, बहुत कुछ डिफरेंट है। और वो तरीका न केवल डिफरेंट दिखता है बल्कि हमें महसूस भी होता है। हाँ, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पूरे के पूरे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में जिले भर की पुलिस के अंदर एक नया जो है वो रोमांस आ गया है कि भाई हमें जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रिकग्निशन मिला हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वातावरण हम लोग चाहते हैं पुलिसिंग के लिए, वो वातावरण देने के लिए जब हमने एक एग्जांपल रखा हुआ है कि कोतवाली और एजेके भी इस तरीके से बन सकता है, तो अब आगे जाके ये पूरा के पूरा टास्क रहेगा जिले भर की पुलिस के लिए कि अपने प्रत्येक थाने को आई सर्टिफाइड करवाए। इसके पीछे मंतव्य बस इतना सा है, क्योंकि एज अ पुलिस हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है सभी जनता के लिए, हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे पाए। अगर हमारा वातावरण व्यवस्थित होगा, जो पुलिस थाना होता है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने दुख की स्थिति में आता है, कहीं ना कहीं परेशानियों में आता है, तो उसको अच्छे से हम लोग अटेंड कर सके, हमारा वातावरण ठीक रहे, हमारे रिकॉर्ड्स व्यवस्थित रहे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इसको जो है प्रयास किया था आई सर्टिफिकेशन के लिए, और आज हम इसमें कामयाब हुए हैं। और निश्चय ही पूरा के पूरा जिला अब इस तरीके इसके ऊपर अग्रसित होगा, सभी के सभी थाने जो है वो आई सर्टिफाइड करवाने। सर, कौन कौन से क्षेत्र में आई सर्टिफिकेशन मिला है? जो आई सर्टिफिकेशन मिला हुआ है वो बेसिकली 9001 2015 का आई सर्टिफिकेशन है। ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जो है वो आई सर्टिफाइड मिला हुआ है। तो हमारा एज अ थाना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब थाने की बिल्डिंग, एम्बियंस और जो जगह है वो, और साथ साथ में रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इन चीज़ों के लिए हमें आई सर्टिफाइड।